वेरी वॉम वेलकम टू द चैनल एंड आई एम and इंग्लिश एडिकेटर you guys आर डूइंग फाइन आज हम कंप्लीट करने वाले हमारी पोम फादर टू सन जिसे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है मतलब बहुत कमाल की पोम है और इससे जुड़ी हुई कमाल की बात तो ये है कि ये आ, एक कॉन्वर्जेसन है फादर और सन के बीच में जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है बहुत बार ऐसा होता है कि पिता कुछ कहना चाहते हैं और बेटा नहीं समझता और बेटा कुछ कहना चाहता है और पिता नहीं समझते हैं और इन दोनों की इस रिलेशनशिप को इस कॉन्वर्जेशन को इस पोम के अंदर डालने वाली एक औरत है मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी बातें हैं जो एक दूसरे के साथ में शायद ये पिता और बेटा करना चाहते हैं बट ये बातें एक औरत के थ्रू हम लोगों को पता चल रही है कि क्या फील करता है एक यू नो फादर अपने बेटे के लिए अपने सन के लिए तो बहुत ही मजा आपको यहाँ पर आने वाला है चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं इसको हाँ जी तो पोम की शुरुआत होती है जब uh, फादर कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड बोला ये जो बच्चा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड बोला ये जो मेरा बेटा है मैं इसको समझता ही नहीं हूँ मतलब हम इतने सालों से सेम घर में रह रहे हैं सेम छत के नीचे रह रहे हैं इतने साल हमें साथ में हो गए हैं उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसे जानता ही नहीं हूँ मैं इसे समझता ही नहीं हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं इसके बारे में कुछ नहीं पहचानता मैं नहीं जानता हूँ इसे क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है ये किस चीज़ की उम्मीद रखता है किस चीज़ की डिज़ायर करता है कुछ भी नहीं तो to to तो मुझे ये बड़ा होते जा रहा है ये इसको मैंने गोद में उठाया था उसके बाद ये कितने सालों से मेरे साथ इस घर में रह रहा है और मैं इसके बड़े मैं इसको देख रहा हूँ बड़े होते हुए पर मैं इसको पहचान नहीं पा रहा मैं इसको समझ नहीं पा रहा मैं इसे जान नहीं पा रहा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं है क्या ये पसंद करता है क्या ये पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए मैं इसके साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ ना वो दिमाग में वो बच्चे को लेकर करता हूँ हाथ में उठाया था उस रिलेशनशिप को मैं वापस बिल्ड करना चाहता हूँ जो रिलेशनशिप मेरी इसके साथ ही जब ये छोटा था और मैं यही कोशिश करता रहता हूं पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि न जाने क्यों मैंने इस कोशिश के अंदर द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन मैंने इस कोशिश की अंदर खत्म कर दी है हम दोनों के इस रिश्ते को ये लो बचा के रखने की उम्मीद क्योंकि पता क्या हो रहा है मैं जो सोच रहा हूं मैं जो इसके लिए करना चाहता हूं जो मैं इसके लिए कर रहा हूं वो इसको समझ ही नहीं आ रहा ये मेरा बच्चा है इसको मैंने पैदा किया है और ये मेरा बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ रहा क्योंकि मैं इसको मैं से जो समझाऊंगा मैं इसे जो कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ उसे एज पर हिम जैसा उसे समझना है जैसे उसे सोचना है ये वैसे उसे समझने वाला है क्योंकि लैंडर्स इज नन ऑफ माइंड क्योंकि इसके दिमाग में इसके दिल में सिर्फ इसके लिए जगह है और मेरे लिए नहीं मैं चाह कर भी इसे वो चीजें यू नो नहीं बता सकता मैं वो फीलिंग इसके साथ शेयर नहीं कर सकता मैं इसे वो चीजें नहीं समझा सकता जो मैं हमेशा से इसे समझाना चाहता हूँ ताकि हमारी रिलेशनशिप वैसी ही हो जाए जैसी तब थी जब ये छोटा था क्योंकि मैं जितना मर्जी जितना मर्जी इसको ये बताने की कोशिश कर लूँ कि हम दोनों कौन हैं कैसे हैं साथ में ये हमेशा वही सोचता है जो इसके दिमाग में इसे सोचना होता है उसकी इसके दिल में इसके दिमाग में इसकी जिंदगी में मानो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देर इज नो साइन ऑफ in इन air। हम दोनों के बीच में स्ट्रेंजर्स जैसी बातें होती हम जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं एक स्मॉल टॉक करते हैं हाँ हाँ hi हाय हाव यू ओ पढ़ाई कैसी चल रही है अच्छी चल रही है ओके ओके काम कैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है ओके हम जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं एकदम वैसी बातें होती हैं हम दोनों के बीच में एकदम वैसी बातें होती हैं हम लोग एक बाप बेटे की तरह बात नहीं करते मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मैं जिस बारे में बात करता हूँ वो जिस बारे में बात करता है वो बात किसी और ही टेंजेंट पे चली जाती है हम कहना कुछ चाहते हैं और घो कुछ और जाता है समझ में कुछ और आ रहा होता है ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों के बीच में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से गैप आ गया है दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट वॉट ही लवस आई कैन नॉट शेयर ये मेरा बच्चा है मेरे पे गया है मेरे जैसा दिखता है पर उसके बावजूद मुझे नहीं पता है कि इसको क्या पसंद है इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसमें मेरा मेरे जैसा ये दिखता है पर मेरे फीलिंग्स का या मेरा अंश नहीं है मैं नहीं महसूस कर पाता हूँ उस क्लोजनेस को जो मेरे को इसके साथ करनी थी ये सिर्फ मेरे जैसा दिखता है पर मेरा नहीं है ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है मैं इसे पहचानता ही नहीं हूँ ये सेम घर में रहता है अब ये मेरा ब्लड शेयर करता है उसके बावजूद आप आकर मुझसे पूछोगे इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि इसे क्या पसंद है क्योंकि ये शायद सिर्फ मेरे जैसा दिखता है सराउंड्स सराउंड हम दोनों के लिए एक दूसरे से बात कर पाना बड़ा ही मुश्किल है हम दोनों जब बैठते हैं साथ में तो दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा होता है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते जितनी बार ट्राई करते हैं उतनी बार लड़ लड़ के उठते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे से बात ना करना बेहतर है अरे मैं तो इसको वैसे ही रखता जैसे कि मैंने इसको रखा था पाल पोस के जितना इतना बड़ा कर दिया था मैं तो इसे वैसे ही पालता पोसता नर्चर करता इसकी परवरिश करता आई वुड द होम ही न्यू जब वो मेरे पास आता अपने पापा के घर यानी वो फीलिंग्स शेयर करता जो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं इसके लिए जो फीलिंग्स मैं इसके लिए रखता हूँ जो अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप की है इसके लिए अगर ये वो शेयर करता ये उस घर में वापस आ जाता जिस घर को ये जानता है यानी उस उस बच्चों उस आ, उस एरिया में जिस एरिया के अंदर वो अपने पिता को आ, सब कुछ बता सकता है इसके पिता इसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि अभी ये इस घर के अंदर रहकर भी एक अलग ही दुनिया में है ये अपने पिता की दुनिया में नहीं है किसी और ही दुनिया में है तो उसके पिता कहते हैं अगर ये मेरी दुनिया में वापस चला आता ये फिर से मेरे साथ में जुड़ जाता तो मैं इसे वैसे ही रखता जैसे कि मैंने इसको आज तक रखा था वैसे ही पालता पोसता और इसे बिल्कुल रोकता टोकता नहीं ये जैसे चाहता वैसे ऐश करता जैसे चाहता वैसे जीता राधर दी हिम मेक एन मूव हिज वर्ल्ड मैं मैं पिता हूं ना मैं जानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर कितने धक्के खाने पड़ते हैं और तब जाकर वो चीज़ें मिलती हैं जो आप चाहते हो एक पिता होकर कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा स्ट्रगल करे मैं चाहता हूं कि आ जाए वो मेरे पास मेरी इस दुनिया में मेरी सुने मुझे समझे और फिर उसे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी उसे कभी किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होगी सब मैं दूंगा उसे मैं नहीं चाहता हूं कि वो छोड़ दे मुझे मैं नहीं देख सकता हूँ कि वो छोड़ दे मुझे और अपनी खुद की दुनिया बनाए अपनी उस खुद की दुनिया के अंदर मूव हो जाए चला जाए मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे मेरी इस दुनिया के अंदर मैं नहीं चाहता कि मुझे छोड़कर वो एक अलग वर्ल्ड बसाए जिसमें उसके अंदर स्ट्रगल्स हो लेसन हो भगवान जाने किन किन चीजों को उसे फेस करना पड़े आई टू शेपिंग फ्रॉम सोरो न्यू लव दुख दुखी हूं मैं दुख होता है मुझे जब मैं अपने बेटे को देखता हूं अपने आप को एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हुए दुख होता है मुझे जब मैं उसको समझा नहीं पाता कि मैं क्या फील करता हूं क्या सोचता हूं बुरा लगता है मुझे जब वो मुझसे आर्ग्यू करता है बुरा लगता है जब जो मैं उसको करने के लिए कहता हूँ वो, वो वो तो बिल्कुल भी नहीं करता है गुस्सा आता है उस पे, पर दर्द भी होता है पर इस दर्द को प्यार में बदलने के लिए तैयार हूं मैं उसकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूं मैं बस एक बार वो मेरे पास आए तो सही मेरी इस दुनिया का हिस्सा तो बने जिस दुनिया के अंदर उसके लिए मैंने सब तैयार कर लिया है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड बोला हम दोनों बाप बेटे बनकर एक साथ रहेंगे और रहना भी चाहिए उस सेम ग्लोब में उस उसी उसी दुनिया में उस सेम मेंटालिटी के साथ में तभी तो हम फ्लरिश करेंगे तभी तो हमारा ये रिश्ता फ्लरिश करेगा जब वो ये कहते हैं दैट ही इज रेडी टू मेक अमेंड्स वो वो उसे माफ करने के लिए तैयार है चीजें सुधारने के लिए तैयार है तो बेटा भी कुछ कहता है ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ माई वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ पापा मैं क्या बताऊं आपको आप मुझसे पूछ रहे हो मैं ऐसे क्यों बिहेव करता हूं मैं क्यों आर्ग्यू करता हूँ क्यों हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता हम बात करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और फिर लड़ाई करके उठते हैं मैं कैसे समझाऊं आपको मैं खुद ही नहीं समझ रहा हूं अपने आप को मैं खुद नहीं समझता हूँ कि क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता है क्यों मेरे अंदर ये ग्रीफ है जो कि गुस्से का रूप ले लेता है मुझे नहीं पता कि हम दोनों के अंदर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है ये गैप क्यों है हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते मैं कैसे किस चीज का जवाब दू आपको जब मुझे खुद ही नहीं पता जब मैं खुद ही ऐसे स्टेज पे हूं जहां मैं आपको कुछ नहीं बता सकता मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूं अपने आप को अपनी इस दुनिया को उन लोगों को जो मेरी इस दुनिया के अंदर है मुझे खुद ही नहीं पता मैं ऐसा रिएक्ट क्यों करता हूं लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू गिव पर सच्चाई तो यह है पापा कि हम एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ा रहे हैं अब कुछ ऐसा माफ कर देना चाहते हैं एक दूसरे का जो कि हमने किया ही नहीं है ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे कि जो आप मुझे समझना नहीं चाहते हो मुझसे बात नहीं करना चाहते हो मुझसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो और अपनी दुनिया में मुझे ले जाना चाहते हो और ऐसी कौन सी गलती कर दी आपने कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं मुझे गुस्सा आता है मैं आर्ग्यू करने लग जाता हूँ हम दोनों के बीच में क्यों हो रही है ये दूरियां मुझे नहीं पता हम दोनों बस एक दूसरे की तरफ एक खोखला हाथ बढ़ाते रहते हैं हम उस कप से पोर करते रहते हैं जो खाली है मैं कैसे बताऊं आपको कि अगर आप मुझे माफ कर दोगे और मैं आपको माफ कर दूंगा तो भी ये चीजें सही से नहीं चल पाएगी क्योंकि हमने कुछ किया ही तो नहीं है ये डिफरेंसेस खुद क्रिएट हुए हैं ये डिफरेंसेस उन छोटी छोटी नोकझोंक से क्रिएट हुए हैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हुए हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैक ऑफ एम्पति लैक ऑफ यू नो कम्युनिकेशन जेनरेशनल गैप की वजह से क्रिएट हुए हैं इनको हम चाह कर भी नहीं भर पाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों एक तरफ पिता और दूसरी तरफ बेटा दोनों कहीं ना कहीं अमेंड्स करना चाहते हैं दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सुलह करना चाहते हैं एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं प्यार का बट उन दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इतनी दूरियां हैं कि वो चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे हैं पिता चाह कर भी अपने बेटे को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और बेटा चाह कर भी अपने पिता के अनुसार मोल्ड नहीं हो पा रहा है ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं अपनी दिल की बात एक दूसरे से कहना चाहते हैं इनके दिल की बात एक औरत तो समझ लेती है जो उस पिता की पत्नी और इस बेटे की माँ होती है बट ये दोनों नहीं समझ पाते इसकी वजह से ये रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड रह जाता है यहाँ पर आपको सिमिली देखने को मिलेगा जब उसके पिता कहते हैं वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स मतलब वो जैसी बातें कर रहे हैं वो उतनी कम बातें कर रहे हैं जितनी कि स्ट्रेंजर्स किया करते हैं तो यहाँ सिमिली है एलिट्रेशन देखने को मिलेगा क्योंकि साइलेंट सराउंड्स अस में स स का साउंड रिपीट हो रहा है मेटाफर आपको पता है जब भी हम कोई कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बिना लाइक या बिना एस uh, के तो उसे हम मेटाफर कहते हैं जैसे कि यहाँ पर द सीड आई स्पेंट एंड सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइंड वो बता रहे हैं कि मैंने इसको इतना कुछ सिखाया था और मैं इसे इतना कुछ सिखाना चाहता हूँ जो बीज मैंने इसके दिमाग में बोया था परवरिश करी थी वो कहाँ गई क्योंकि ये जिंदगी तो मुझे बस इसकी बनाई हुई लग रही है ये थॉट प्रोसेस ये माइंड सेट तो मुझे सिर्फ इसी का दिख रहा है मुझे तो दिख ही नहीं रहा कहाँ गया वो वो सीड कहाँ है वो बीज कहाँ है जो मैंने बोए थे ऑल राइट right. तो इसके साथ में फादर टू सन हो गया है बच्चों कंप्लीट ठीक है तो ये बहुत ही कमाल का पोम था और हमने इसको कर लिया है कंप्लीट और इसके साथ में हमारी हॉर्नबिल की पोएट्री वाली प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है आप पूरी प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं आराम से अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं मैंने आपको समझा दी है पोम एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बिकॉज uh, uh, आपको चैनल पे इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर